स्वागत है क्लास के विच। सो अज असी अकोमोडेशन ऑपरेशन फाउंडेशन टू का जो टॉपिक यूनिट टू के रूटीन सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कि जोड़ा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वह रूटीन सिस्टम की होंगे आ तो कि रिकॉर्ड्स जोड़े होंगे ने मेनटेन करके रखने पेंदे ने स्टोर करके रखने पेंदे ने जो फ्यूचर के काम आते हैं जो ऑडिटिंग काम आते हैं जो रिकॉर्ड सारा मेनटेन करने के जोड़े काम आते हैं होटल का। सो आओ असी रिपोर्टिंग स्टाफ प्लेसमेंट बारे थोड़ा जहा पढ़ते हैं। कह रहे हैं रिपोर्टिंग स्टाफ प्लेसमेंट मीनस दैट द स्टाफ एंड इंप्लॉयज ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स ऑन वेरियस असाइन शिफ्ट्स दैट इज इन मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट जनरल शिफ्ट एंड ब्रेक शिफ्ट एज देयर डेली रूटीन सिस्टम। सब तो पहला ये जानना बहुत जरूरी है रूटीन सिस्टम दे विच केड़ियां केड़ियां शिफ्ट लगदियां ने, ठीक है, जिहदे विच स्टाफ इंप्लॉय जिहड़े ने वह वर्क करते हैं केड़ी केड़ी मॉर्निंग शिफ्ट होंदी है, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट होंदी है, नाइट शिफ्ट होंदी है, ते जनरल शिफ्ट कोई भी हो सकती ते ब्रेक शिफ्ट अगर कोई सवेरे आ रहा जिवें 8 बजे आ रहा 11 बजे फिर जा रहा फिर 2 बजे आ रहा। सो 8 घंटे की होटल के जिहड़ी शिफ्ट होंदी है जिहड़े इंप्लॉयज की होंदी है ट्रेनरिया की शिफ्ट का कोई टाइमिंग नहीं होंदा। सो 8 आवर की शिफ्ट जिहड़ी होटल के स्टाफ की होंदी है सो उन्होंने टाइम जिहड़ा मैनशन किया होंगे किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक जिवें 7 बजे तो लैके मॉर्निंग शिफ्ट 3 बजे तक होंदी है 2 बजे तो लैके 10 बजे तक इहदा शिफ्ट अकॉर्डिंग चेंज होंदी रहिंदी है। ये डेली रूटीन जिहड़ा डेली रोटा बनता जिन्हों डेली रोस्टर भी कहिंदे उहदे विच SOPs के आधार के उत्ते टाइम लिखा होंगे कि किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक की शिफ्ट जिहड़ी किहड़ा परसन लगावेगा। द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज रिस्पोंसिबल फॉर ए ड्यूटी रोस्टर फॉर दिस इंप्लॉय फॉर 15 डेज 15 डेज और 1 मंथ इन एडवांस। देखिया हाउसकीपर जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो पहला ही ड्यूटी रोस्टर 15 दिन का तैयार किया होंगे कह रहे हैं एडवांस में ही। इन द डेली रूटीन सिस्टम जी ड्यूटी रोस्टर इज लाइक ए प्लैन वेयर द इंप्लॉयज फ्रेम ए पिक्चर इन देयर माइंड एज टू विच शिफ्ट दे वुड बी वर्किंग। सो वो प्लैन एक तैयार करके सामने फ्रेम के उत्ते ला दिता जाता तो जोड़े इंप्लॉयज आ देख लेंगे कि इन्ने बजे तो लैके इन्ने बजे तक साड़ी शिफ्ट आ। सो वो अपने माइंड के कहते प्लैन बना लेंगे उस अकॉर्डिंग वो अपनी शिफ्ट से आते हैं काम कर आते हैं। The supervisor role in determining the staff placement is very essential. बिल्कुल supervisor का role सब तो महत्वपूर्ण होंगे है placement करने के staff की। The staff is briefed and told in written regarding the job, their job assignment in various section of HKD, housekeeping department. So staff नू brief कर दिता जाता supervisor वालों के केड़ा केड़ा जॉब उसनू असाइन की होंगी है, ठीक है। द स्टाफ इज अनकंडीशनली रिस्पोंसिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑन देयर ड्यूटी इन टाइम एंड आल्सो रिस्पोंसिबल टू परफॉर्म द असाइन एक्टिविटीज़ विद इन ए पैरामीटर एंड स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। सो कह रहे हैं कि जोड़ा स्टाफ हों वो परफॉर्म करने के लिए जो उन्होंने ड्यूटीज मिली ने ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਚ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। For the productivity of the organization, the reporting of the staff on time reveals the discipline conduct which makes important for the housekeeping head to flexibly assign the related task which is required for smooth operation of the department. So discipline can maintain rakhna bahut zaruri hai agar staff jehda sahi time de utte aa raha hai eh bahut hi zaruri hunda hai ede naal ki flexibility bani rehndi hai task jehda vadhiya smoothly
ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮੂਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਟ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਜੋਬ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਟਾਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਅਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਡ ਪਰਫੋਰਮ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਜੋਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀ ਅਸਾਈਨ ਜੋਬ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਏ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਗਰ ਗੈਸਟ ਸਾਬਣ ਓਇਲ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਲੀਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨਰ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈੱਡ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਮੇਕਿੰਗ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਂਡਰੀ ਸਰਵਿਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ ਧੋਣੇ ਲਾਂਡਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ਿਫਟ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1, 2, 3 ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਬੀ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲੋਕੇਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਸੋ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਰੂਮ ਓਕਿਓਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਰੂਮ ਓਕਿਓਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਮ ਓਕਿਓਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਸਟੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਓਕਿਊਪਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਅਗਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਡੀ ਐਂਡ ਡੀ ਆ ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਅੰਡਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਇਹ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲੰਚ ਦਾ ਬੁਫੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੂਮ ਦੀ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰੂਮ ਓਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਸਟੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੈੱਡ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ
रूम दी इंस्पेक्शन करता है, जिवें कि तुसी थले देख रहे हो रूम इंस्पेक्शन लिस्ट विच होटल ए बी सी आ, फ्लोर लिखते आ, रूम नंबर लिख लिया, जी आर ए, ठीक है, गैसट रूम अटेंडेंट केड़ा आ, डे टाइम स्टाफ। सो कॉन्टेंट्स देखो, इलैक्ट्रिकल पॉइंट वर्क कर रहे जां नहीं कर रहे हैगे आ स्टेटस ते टिक किया जाता है, ठीक है। फ्लोर कारपेंटिंग क्लीन आ, आउट ऑफ ऑर्डर आ, वर्किंग पोजिशन केड़ा स्टेटस है रिमार्क किया जाता, तो सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर होंगे ने। रूम की इंस्पैक्शन की जाती है सुपरवाइजर वालों, रूम बनाया जाता है अटेंडेंट वालों, इंस्पैक्शन की जाती है सुपरवाइज वालों। जदों तक सुपरवाइजर इंस्पैक्शन करके, जदों तक सुपरवाइजर इंस्पैक्शन करके नहीं कहता कि ओके डन वैकेंट च पा दो डर्टी, तो उन्नी देर तक वैकेंट दे विच नहीं पाया जाएगा, रूम डर्टी विच ही रखा जाएगा। वैकेंट सुपरवाइजर फोन करता फ्रंट ऑफिस के विच कि वैकेंट कर दो रूम रेडी आ, उस वेले रूम नू पाया जाता है बेचण दे लई। ओके, फ्लोर रजिस्टर, फ्लोर रजिस्टर की हुंदा, ए रजिस्टर हुंदा जिहदे विच हर एक फ्लोर दे वर्क लिखे हुंदे आ, जिवें क्लीनिंगनैस एंड मेनटेनेंस ऑफ फ्लोर, इंस्पैक्शन बाय फ्लोर सुपरवाइजर, ये हर एक चीज़ मैनशन होंगी, वैक्यूम द कारपेट, फ्लोर डस्टिंग एंड डैम्प डस्टिंग ऑफ वुडन फ्लोर, मेनटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम रिक्वायरिंग फॉर द हाउस कीपिंग ऑपरेशन ऑन द फ्लोर, कि आइटम्स हैगियाँ कि नहीं हैगियाँ, मेकिंग ए चैकलिस्ट टू फ्लोर द वेरियस डायरैक्शन। सो फ्लोर रजिस्टर हर फ्लोर के उत्ते होना बहुत लाजमी होंदा, जिहदे विच हर एक चीज़ मेनटेन की जाती है, हर एक चीज़ लिखी जाती है कि ये काम हो चुका डन आ, ये काम बचिया होया, ये काम उन्हें कर लिया। सो फ्लोर रजिस्टर होना बहुत जरूरी होंदा, ये सारिया इनफॉर्मेशन उहदे विच लिखिया होंदिया है, डेली रिपोर्ट होंदी जिहड़ी आ फ्लोर रजिस्टर च रखी जाती है। सो सिग्नेचर भी जिहड़ा जी आर ए फ्लोर रजिस्टर मेनटेन कर रहा उहदे साइन होने बहुत जरूरी होंदे आ। सो ये फ्लोर रजिस्टर। वर्क ऑर्डर की हुंदा, फॉर्म दे थ्रू समझाउणा वर्क ऑर्डर, आ देखो वर्क ऑर्डर हुंदा आ कि एरिया जिहड़ा सीगा, एरिया जिहड़ा उहनू जी आर ए नू दिता गया आ, वह जिहड़ा क्लीन होया कि नहीं होया हैगा आ, ठीक है, मेनटेनिंग दा काम उहदे विच कोई पेंडिंग ते नहीं पिया होया, ठीक है, ये हाउसकीपिंग ते मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नू कोऑर्डिनेट करदा आ कि कोई प्रॉब्लम आई आ अगर रूम दे विच, जिवें एसी वर्क नहीं कर रहा हैगा, एसी दी डीप क्लीनिंग चाहीदी है, सो उहदे विच मेंशन किया जाता वर्क ऑर्डर फॉर्म दे विच, जिवें एरिया ऑफ क्लीनिंग फस्ट फ्लोर ऑफ रूम दे विच की मेंटेनेंस फॉर डीप क्लीनिंग एसी रिपेयरमैन, ठीक है, डीप क्लीन करेगा, स्टेटस शड्यूल और पेंडिंग हो चुका या पेंडिंग आ, रिमार्क डन, ठीक है, तो थले सिग्नेचर आ गए कंट्रोल डेस्क वाले दे। ए वर्क ऑर्डर फॉर्म जिहड़ा दो बंदियां नू जोड़दा, हुण सपोज करो कि रूम चो कॉल आई आ कि इत्थे टीवी नहीं वर्क कर रहा, सो वर्क ऑर्डर फॉर्म दे उत्ते उस नू मैनशन किया जाता है, तो वह जिहड़ा हैगा मेनटेनेंस डिपार्टमेंट नू बुलाया जाता है, वह काम करता है, तो उहदे विच फिर मैनशन कर दिता जाता कि काम होया कि नहीं होया, रूम दे विच कितें टीवी खराब ही तो नहीं पिया होया, ठीक है। सो ये चीज़ा जिहड़ियां बहुत जरूरी होंदियां ने। लॉग सीट जिन्हों लॉग बुक भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी रजिस्टर होंदा हाउसकीपिंग, कंट्रोल डेस्क दे विच रजिस्टर पिया होंदा, ये जिहड़ा होंदा कि अगर जी आर ए ने कोई अगली शिफ्ट वाले नू कोई मैसेज देना है, नैक्सट शिफ्ट वाले नू दसना कोई मैसेज, जिदा हुण सपोज करो एक गैसट आ 202 रूम नंबर का, ठीक है, वह कहिंदा कि मैनू ना केक चाहिए 5 बजे, ठीक है सर मिल जूगा, 4 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है जिस बंदे नू ऑर्डर दिता जी आर ए, वह की करूँगा फिर लॉग सीट या लॉग रजिस्टर दे विच लिख के जाऊगा कि इस रूम दे विच इन्ने बजे केक का ऑर्डर पहुँचना चाहिए आ, बेकरी च बन रहा 5 बजे केक का ऑर्डर इस रूम दे विच पुजा दो, वह लॉग बुक विच लिख के जाएगा, नैक्सट शिफ्ट वाला आएगा तो वह लॉग बुक पढ़ूगा तो उन्हें पता लग जूगा कि कड़े कड़े काम जेड़े पेंडिंग आ, कड़े कड़े काम उन्होंने के आते करने, क्योंकि फिर वो चल गया
नैक्सट शिफ्ट वाला वो काम करूगा। सो लॉग बुक जी है वो अगली शिफ्ट वाले दसती है इंपोर्टेंट मैसेज जोड़े प्रोवाइड कर दी है। आ देखो लॉग एंट्री मैसेज की आ टाइम तो डेट वो लिखी जाती है तो डेस्क अटेंडेंट जिन्हें लिखी है वो सिग्नेचर होंगे। लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर की होंगे, लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर होंगे कि गैसट की कोई आइटम जी होटल के रह गई है उसनों लॉस्ट एंड फाउंड आइटम लिस्ट के रख लिया जाता है। अगर गैसट आता है तो उन्होंने इंक्वायरी करके उसनों दे दी जाती है, नहीं तो वह प्रोसीजर 6-7 महीने या साल बाद जाके जिसनों लभी होंगी उसनों दे दी जाती है। वो सिग्नेचर करवाए जाते हैं जिसनों आइटम लभी है। सो गैसट की डिटेल लिखी जाती है कि कहड़े रूम के मिली है, ये सारा कुछ लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर के दर्ज किया जाता है तो उसनों लॉस्ट एंड फाउंड रूम के आइटम रख दिता जाता है। ठीक है, मेड रिपोर्ट, मेड रिपोर्ट की होंगी है, मेड रिपोर्ट जी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बैटर कंट्रोल करने में मदद करती है। ये हर एक शिफ्ट के एंड दे बनाई जाती है। ये मेड जी वो इनफॉर्मेशन ऐड करती है, जिसे समराइज करती है, हर एक चीज़ लिखती है, सिग्नेचर करती है तो वो रिपोर्ट नू हाउसकीपिंग पे रोल क्लर्क, हाँ जिन्हें हाउसकीपिंग रिपोर्ट बनानी होंगी है लास्ट में उसनों वो दे के चल जाती है। सो मेड रिपोर्ट जी वो तैयार की जाती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के विच, केड़ा केड़ा एरिया क्लीन हो गया, मेंटेनेंस वर्क केड़े रहे एरिया दे विच, उहदा स्टेटस की है ते रिमार्क की है। सो मेड डेस्क अटेंडेंस जिहड़ी हुंदी है वो इस दे उत्ते सिग्नेचर करदी है। बाकी ए हाँ ये जरूरी है GSRR, गैसट स्पैशल रिक्वेस्ट रजिस्टर। यह हुंदा है गैसट ने अगर कोई स्पैशल डिमांड की है, रूम नंबर केड़े विचों डिमांड आई है, नेम ऑफ द गैसट की है, गैसट ने की रिक्वेस्ट की है, तो रिमार्क्स कोई स्पैशल डिमांड अगर गैसट कर रहा है उसनों फॉरमेट ऑफ GSRR भरया जाता है। अगर कोई वो कोई बाहरों की कोई चीज़ मंगवानी है उन्हें कोई स्पैशल डिमांड ला कि मेरे रूम के अरेंजमेंट चाहिए, सो स्पैशल डिमांड के तौर के उत्ते उन्हों भरया जाता है फॉरमेट ऑफ GSRR। सो यह सीगा तुहाड़ा टॉपिक, धन्यवाद।